वेलकम टू माय चैनल इमोशन बेबी। सो देखिए, जिन्होंने अभी तक वोटर आईडी कार्ड का जो वेरिफिकेशन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, जो 21 डेज बाकी है, लास्ट डेट इसका 15 अक्टूबर है। तो उससे पहले आप लोग आपका वेरिफिकेशन कर लीजिए एंड आप आसानी से इस ऐप के द्वारा आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका डॉक्यूमेंट्स सब लोग आपको अपलोड करना होगा यहाँ पे। एंड देखिए, वीडियो पहले पूरा देख लीजिए एंड, क्योंकि आपको सिर्फ एक चांस मिलेगा सभी वेरिफिकेशन करने के लिए, तो इसलिए आप लोग पहले वीडियो देख लीजिए, देन आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट कीजिए। तो इसके लिए आप लोग को पूरा ए टू ज़ेड देखना होगा एंड आपको इस ऐप का लिंक मैं दे दूँगा। देन आप इस ऐप को इंस्टॉल करके आराम से आपका जो इलेक्टर्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम, देखिए जिस सिर्फ 21 डेज बाकी है, तो इसका आराम से आप लोग कर सकते इस अपने मोबाइल पे ही, एंड्रॉयड मोबाइल पे कर सकते। अगर किसी का अगर ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते तो आप लोग गूगल क्रोम में जाके जो NBSP वो आपसे भी कर सकते। वोटर आईडी कार्ड का फिर से वेरिफिकेशन नहीं करने से आपका वो रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए जल्दी से 15 अक्टूबर से पहले कर लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग जो ऐप का लिंक मैं दे दूँगा, तो वह से आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा एंड डाउनलोड करने के बाद आपको एक्सेप्ट करना होगा। देन मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले जो वोटर हेल्पलाइन इस ऐप को खोल लीजिए। देन यहाँ पे देखिए नीचे जो है यहाँ पे EVP, इसमें क्लिक कर दीजिए। EVP पे क्लिक करने के बाद देखिए आप लोग यहाँ पे लिंक योर मोबाइल विथ एपिक नंबर, देन चेक एंड वेरीफाई योर डिटेल्स, अप्लाई फॉर एनी करेक्शन मॉडिफिकेशन, लिंक अप योर फैमिली मेम्बर्स। तो आप यहाँ से आप लोग लिंक कर सकते हैं। तो जल्दी से इसमें कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। देंगे देन देखिए यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है, देन उसमें आपका OTP आएगा पहले, तो पहले आप लोग मोबाइल नंबर दे लीजिए यहाँ पे। सो देखिए, मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे ऊपर में देखिए OTP आ गया, तो OTP आप लोग अगर इसी मोबाइल पे है तो आप लोग आराम से यहाँ पे OTP मिल जाएगा यहाँ पे, तो OTP आप लोग टाइप कर लीजिए, देन लॉग इन कर लीजिए। लॉग इन करने के बाद आपका एक पेज आएगा, देन देखिए यहाँ पे सर्च बाय बारकोड, सर्च बाय डिटेल्स और सर्च बाय एपिक नंबर। तो सबसे इजी इसमें जो सर्च बाय एपिक नंबर, तो आपका वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर है उसमें यहाँ पे एंटर योर एपिक नंबर वहाँ पे टाइप करके सर्च कर दीजिए, आपका नाम आ जाएगा। तो देखिए आपका एपिक नंबर ऐसे रहेगा, जैसे किसी का जैसे वो से स्टार्ट होगा, ऐसे करके आप लोगों का एपिक नंबर होगा। एक एपिक नंबर यहाँ पे टाइप करके सर्च में कर दीजिए, आपका नाम सब आ जाएगा। देखिए आपका ऐसे नाम पूरा इसमें आ जाएगा। देन देखिए एकदम नीचे जो इसमें है इट्स मी, इसमें क्लिक कर दिया। अगर आपका ये सभी डिटेल्स सही रहा तो इसमें में क्लिक कर दीजिए। डू यू वांट टू लिंक योर मोबाइल नंबर विथ एपिक, तो इसमें यस कर दीजिए। तो ये सक्सेसफुल ऐड हो गया। तो यहाँ पे कुछ भी आप लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों को एड्रेस प्रूफ देना होगा। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में क्लिक करके देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, ये सब आपको एड्रेस प्रूफ में देना होगा। तो आपको पहले से उसको स्कैन करके रखना होगा, तो इस पर पहले आप लोग कैम स्कैनर से ज़रूर स्कैन करके रख दीजिएगा। सो देखिए, देन एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोग यहाँ पर लोकेशन ट्रैक किया जाएगा, तो आपका लोकेशन सही लोकेशन दे दीजिए। तो लोकेशन ठीक करने के बाद फिर से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, देन आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप लोग इसको क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, ये सुन लो। तो ये करने के बाद देन सबमिट एंड गो फॉर फैमिली टैगिंग, तो ऐड फैमिली मेम्बर पे पहले क्लिक कर दीजिए। तो सेम प्रोसेस से आपको सर्च करना होगा बाय एपिक नंबर। तो सर्च करने बाद ये आ जाएगा, देन देखिए यहाँ पे जो साइन है इसमें फैमिली मेम्बर ऐड कर दीजिए फिर से और फैमिली मेम्बर को, या यहाँ पे कुछ गलत होने से आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ फिर से। तो देखिए ऐसे मेंबर ऐड होने के बाद फिर से देखिए ये साइन इसमें क्लिक कर दीजिए और मेंबर ऐड कर सकते हैं। देखिए आपको जो जो लास्ट में 16 से 18, लास्ट 16 के नीचे, एज के नीचे से आप लोग किसी को ऐड नहीं कर सकते, तो 16 to 18 को भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मेरा सभी मेंबर्स ऐड हो गया, तो इसके बाद आप जो यहाँ पे फाइनलाइज़ कर दीजिए। तो फाइनलाइज़ करने से आपका पूरा फाइनलाइज़ हो जाएगा, तो आपका पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपका फाइनल जो EVP का वेरिफिकेशन स्टेटस आ जाएगा। तो इस सो देखिए नीचे डाउनलोड माई सर्टिफिकेट, यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। सो ऐसे करके सर्टिफिकेट रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।